Welcome student to MBN Modern School online classes. Today in this video we are going to study chapter number 4, singular and plural of your English grammar book. Singular means ekvachan and plural means bahuvachan. जब एक चीज़ की बात करते तब हम सिंगुलर लगाते हैं और जब बहुत सारी चीज़ों की एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते तब हम प्लूरल लगाते हैं. थिंग्स पर्सन्स एंड एनिमल्स कैन बी वन और मोर देन वन. थिंग्स वस्तुएं पर्सन आदमी इंसान एंड एनिमल्स जानवर ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी एट अ टाइम पर हो सकते हैं. वन एंड मोर देन वन जब एक हो तो हम क्या बोलेंगे और जब मोर देन वन एक से ज़्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे. तो वन में क्या बोलेंगे टोमेटो मैंगो बॉय और जब मोर देन वन एक से ज़्यादा हो तो टोमेटोज मैंगोज बॉयज. ठीक है टोमेटो टोमेटोज मैंगो मैंगोज बॉय बॉयज. व्हेन अ नाउन स्टैंड फॉर वन पर्सन एनिमल और थिंग इट इज़ सेड टू बी सिंगुलर. जब नाउन जो है वो किसी एक व्यक्ति एक वस्तु एक जानवर के लिए स्टैंड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं सिंगुलर नाउन. जब वो एक ही पर्सन एनिमल और व्यक्ति के बारे में बताती है तो हम उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं. बट व्हेन द नाउन स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग इट इज़ सेड टू बी प्लूरल. लेकिन जब नाउन है ना एक से ज़्यादा इंसान जानवर और थिंग्स चीज़ों के बारे में बताता है तो हम उसे प्लूरल कहते हैं. अब फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स प्लूरल्स कैसे बनते हैं. सिंगुलर तो आपको पता है अब प्लूरल्स कैसे बनते हैं. मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर टर्न्ड इनटू प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस टू देम. तो जो काफ़ी सारे सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग पीछे एस लगा कर ही उसको प्लूरल बना देते हैं. जैसे बॉय में पीछे एस लगा दिया तो क्या हो गया बॉयज. देन कमिंग टू नेक्स्ट पेज. अब आपको इसमें क्या पता है नेक्स्ट पेज में कि हम लोग सिंगुलर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं. एस लगा कर ई एस लगा कर आई ई एस लगा कर. तो पहले एस लगा कर बॉय में एस लगाया बॉयज. काउ में एस लगाया काउस. एग में एस लगाया एग्स. गेम गेम्स. रोज रोजेस. कैट कैट्स. डॉल डॉल्स. फ्लावर फ्लावर्स. पेन पेन्स. स्कूल स्कूल्स. नेक्स्ट सम सिंगुलर नाउन्स एंड विद ओ एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स. दे आर टर्न्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू देम. फिर जो नाउन जो वर्ड जो स्पेलिंग जो ओ एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स से ख़त्म होती है हम उसमें क्या ऐड करते हैं ई एस. जैसे मैंगो में पीछे ओ से ख़त्म हो रहा है हीरो में पीछे ओ से ख़त्म हो रहा है बस में एस से इसमें सी एच से इसमें एक्स से तो इनके पीछे ई एस लगा दिया. तो मैंगो का हो गया मैंगोस. हीरो हीरोज. बस बसेस. ब्रांच ब्रांचेस. बॉक्स बॉक्सेस. ऐसे ही पोटैटो पोटैटोस. बफेलो बफेलोस. ग्लास ग्लासेस. फॉक्स फॉक्सेस. ब्रश ब्रशेस. प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज ऑलवेज फिश. फिश का जो प्लूरल फॉर्म है वो फिश ही होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश वी यूज़ फिशेस. जब हम फिश का प्लूरल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही होगा. लेकिन जैसे जब हम बात कर रहे हो अलग अलग टाइप्स की फिशेस की तो हम उसको फिशेस कहते हैं. सम सिंगुलर नाउन्स एंड विद वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट देन वाई इज़ रिप्लेस्ड बाय आई ई एस. कुछ कुछ सिंगुलर नाउन्स होते जो वाई से ख़त्म होता है तो उसमें हम क्या करते हैं आई ई एस लगा देते हैं. जैसे बेबी में वाई से ख़त्म हो रहा है तो हम लोगों ने क्या करा ये वाई हटा दिया और इसके पीछे आई ई एस लगा दिया. तो ऐसे बेबी बेबीज. फेरी फेरीज. लिली लिलीज. स्टोरी स्टोरीज. कंट्री कंट्रीज. सिटी सिटीज. फैमिली फैमिलीज. पार्टी पार्टीज. आर्मी आर्मीज. डायरी डायरीज. कमिंग टू नेक्स्ट पेज. सम नाउन्स डू नॉट चेंज. कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते. दे रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. बोथ
जो है, चाहे आपका नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, वो सेम ही रहते हैं। जैसे न्यूज़ न्यूज़, सीजर्स सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, रिकेट्स रिकेट्स, शेप शेप, फर्नीचर फर्नीचर, डियर डियर, हेयर हेयर, इनिंग्स इनिंग्स। Then singular form of some nouns that end with F can be made plural in two ways. जो F से ख़त्म होते हैं उनको हम दो तरीक़ों से plural form में कर सकते हैं। जैसे ड्रॉफ है, उसको ड्रॉफ भी कर सकते हैं S लगा के, और F हटा के VES लगा कर भी कर सकते हैं। ऐसे हूफ को हम हूफ्स भी कर सकते हैं और हूव्स भी कर सकते हैं। स्काफ स्काब्स। सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एन और आर ई एन। कुछ जो सिंगुलर नाउन है वो ई एन और आर ई एन लगा के प्लूरल बनती है, जैसे ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे कि ये एक्सरसाइज आप कैसे फील कर सकते हो, किसका प्लूरल कैसे बनेगा। थैंक यू।